9:30 बजे और मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी नहीं उठा अभी तक। दीप्ति भी सोई पड़ी है, बदर बदर भी सोए पड़े हैं। मधुर भाई हाँ। उठो, किचन में चाय रखी है, पी लो। हाँ भाई, ओ मरे हुए प्राणी, ले चाय पी ले। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 11 अप्रैल 2021 और दिन है सुंडे। सुंडे को हमारे मधुर भाई का और उनकी वाइफ जी का होता है छुट्टी, क्योंकि वो केवी में टीचर है। दोनों ही टीचर है, एक सरकारी टीचर है और एक नॉन सरकारी टीचर है। मैं हमारी तो कहीं जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन ये लोग कहने लगे कि आज सुंडे को हम चलेंगे नामेरी नेशनल पार्क। उनकी इच्छा तो वैसे काजीरंगा जाने की थी, लेकिन काजीरंगा यहाँ से 100-150 किलोमीटर, तो मेरा मन नहीं है अभी। मतलब ट्रैवल मोड, मतलब दिमाग में वो ट्रैवल कीड़ा एक्टिव हो ही नहीं रहा मेरे दिमाग में। तो नामेरी यहीं बगल में, मैंने कहा भाई चलो नामेरी चलते हैं, ज़्यादा दूर जाने की इच्छा नहीं है। अभी हम चलेंगे नामेरी और उत्ते दे नज़ारे आपनों दिखावेंगे। चलो चल पड़े जी। ये अपनी बाइक खड़ी हुई है डिस्कवर, लेकिन आज इसको जंगल की सैर नहीं कराएंगे, आगे बैठ जाओ जाओ, ये नए नए यूट्यूबर। हाँ ठीक है, ओके। बेचते हो गए? पूरी बेचते हो गए? ये सारे वीडियो डिलीट, ये सारे हम आए नहीं, आए नहीं, नहीं नहीं कोई नहीं, हम ऐसा है जी, हम आ गए नामेरी के गेट पे। यहाँ से परमिट वगैरह मिलता है अंदर ट्रैकिंग करने का। तो अभी जो है 2:15 बजे, इन्होंने कहा जी 1:30 बजे लास्ट टाइम होता है, कल आना। तो हमने किस तरह हाथ जोड़े? हाथ जोड़ के बताओ, सर जी दे दो, प्लीज दे दो। नहीं जी, कल आना, नहीं देंगे। क्या कह सकते हैं? वीडियो डिलीट, बस आधा घंटा लेट है, हम 40 मिनट लेट हैं बस। मतलब बहुत लेट है, मतलब अगर नीरज भाई जल्दी नहा लेते तो हम जल्दी निकल जाते। चुप बे, कपड़े कौन धो रहा था? मैं कह रही थी 12 बजे चलो। हाँ हाँ, लेकिन तुम लोगों ने सबने लेट कर दिया। किसने? हमने नहीं किया लेट, मधुर ने किया। ये तुम दोनों पति पत्नी और एक ही मेरा पति, मेरे पति को भी बिगाड़ दिया तुम दोनों मियां बीवी ने, उसने भी लेट नहीं। हम 12 बजे घर से निकलते, तुम टाइम से आते। आज पूरे दिन डांट पड़ती रहेगी। चलो आगे की तरफ चलते हैं। आगे किधर? बालक पोंग की तरफ चले क्या? बेइज्जती वहां भी होनी है, बेइज्जती वहां भी हो जाएगी, काम हो जाएगी वहां पे। छोड़ो, कुत्ता कुत्ती है, कुत्ता है। मुद्दे यार, बेइज्जती तो हो ही रही हमारी। जगह अच्छी है, फॉरेस्ट अच्छा है, दिखा दो लोगों कम से कम। क्या फोन दिखाना जरा, मैं बेइज्जती देख लो भाई, बनाओ इनके वीडियो पर। यही है जी फॉरेस्ट, देख लो। मजा आ गया। यही है बस, यहाँ पे यहीं से बनता परमिट, जो कि हमारा नहीं बनेगा। कितनी भी जगह झांक लो भाई, परमिट नहीं बनना। बंद हो गया। ये लिखे जी, एंट्री परमिट इशू टाइमिंग है ट्रैकिंग के लिए, मॉर्निंग में 6 बजे से सुबह 10 बजे तक और इवनिंग में है 12:30 से 1:30 बजे तक। तो इतनी टाइमिंग के अंदर अंदर यहाँ पे परमिट इशू होते हैं। रिवर राफ्टिंग का परमिट है सुबह 6:00 बजे से 1:30 बजे तक, उसके बाद कोई परमिट इशू नहीं होता। इधर इधर खड़ा हो, हाँ इधर खड़ा हो, हैं। अच्छा सुन, एक काम की बात, अबे सुन चुप। अच्छा सुनो, काम की बात देख, मैं तेरे को नामेरी की जानकारी देना चाहता हूँ। नामेरी एक टाइगर रिजर्व है, तेरे को टाइगर रिजर्व में नहीं जाना है, जाना ही नहीं है। अबे सुन कुत्ते, कुत्ता कहीं का, जाना नहीं टाइगर रिजर्व है, तेरे को तेंदुआ खा जाएगा। और इसकी जो है टाइमिंग फिक्स है, 1:30 बजे लास्ट टाइम है, उसके बाद तेरे को नहीं जाना बिल्कुल भी। नामेरी में होती है ट्रैकिंग, समझ रहा है ना, ट्रैकिंग होती है नामेरी में, पैदल चलना होता है, जिप्सी सफारी नहीं होती। सुन मेरी बात, कहाँ जा रहा है यार, ट्रैकिंग होती है नामेरी नेशनल पार्क, एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें ट्रैकिंग, मेरी तरफ देख, जिसमें कि ट्रैकिंग होती है। तो ट्रैकिंग में 1.5-2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, और उसमें, अबे पीछे चल यार, और उसमें ना एक राइफल मैन साथ चलता है,
ठीक। तो आज हम हो गए लेट, तो अगली बार आएंगे, ठीक है ना? ओके ठीक है भाई। अब तेरी समझ में आया नहीं आया? अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, ये नहीं सुधरेगा। ये रोड जो है ना, खुद में ही पिकनिक स्पॉट है। आज संडे है तो बहुत सारे लोग इधर पिकनिक मनाने आए भी हुए हैं। लोकल लोग बहुत सारे हैं और नीचे नदी के किनारे रेलवे लाइन के नीचे बैठ के वो पार्टी कर रहे हैं। पार्टी चलेंगे हम भी घुसे उनकी पार्टी में ना यार, मुर्गे चल रहे होंगे वहाँ पे, दारू मुर्गा खुला खाना। इसलिए मैं बोलूँ उठे नहीं जाना। हाँ थोड़ा लूज बांध, बहुत कसना नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है, नहीं है नीरज भाई शूज के लेसेस बांधने? इंटरेस्टिंग ये है कि वो भी इस हिसाब से बांधने जो मैडम को पसंद है। खूब सारी खाएंगे। और तो ये है जी मकोई, एकदम काली काली। ओह मजा आ गया। एक टमाटर भी लगा हुआ है, दो टमाटर लगे हुए हैं लेकिन दोनों अभी कच्चे हैं। मधुर भाई तुम्हें एक गुप्त बात बताऊं, रहस्य की गुप्त। यहाँ पे टमाटर लगे हुए बहुत सारे। पता है क्यों लगे हैं? क्यों नहीं पता था? मैं जानता हूँ, मैं बताऊँ। जानते हो? मैं जानता हूँ। अभी कोई यहाँ पर हक के गया था, उसकी वजह से वो टमाटर अभी आ गए। अभी नहीं गया। अच्छा। अंग्रेज जी अभी नहीं गया। अच्छा, जो अभी गया होगा उसके टमाटर 2 महीने बाद लगेंगे। भाई देखो, सभी लोग मास्क लगा लो। आजकल भारत में और पूरी दुनिया में बड़ी जबरदस्त महामारी फैली हुई है, तो मास्क लगाओ, हाथों को सैनिटाइज करो, धोते रहो। मतलब चुप रहे, ठीक है? ठीक है। हम पहुंचे हैं भालुकपोंग। एक जगह से हम अपनी बेइज्जती खराब करवा के दूसरी जगह आए हैं। भालुकपोंग जो है असम और अरुणाचल का बॉर्डर है और यहीं से तवांग का रास्ता जाता है। हम तवांग नहीं जाने वाले थे, बट यहाँ पे ना अरुणाचल के 5-10 किलोमीटर अंदर एक जगह है, उस जगह को बोलते हैं टिपी। तो टिपी में ऑर्किड का कोई फार्म है, वो ऑर्किड का फार्म देखने को और आप लोगों को दिखाने को हम इतने आए थे। आगे आगे उसके लिए वो लेना पड़ेगा ना। अरे चलते रहो जब तक कोई रोकेगा। हाँ, नहीं चलते रहो। अरुणाचल के अंदर तो हम घुस गए हैं। ये अरुणाचल का जी गेट है जी, एंट्री गेट, वेलकम टू अरुणाचल लिखा था। आगे की सीट कुछ बेकार लोगों ने ले रखी है, इसलिए मैं आगे के नज़ारे नहीं दिखा सकता। भालुकपोंग में अरुणाचल के अंदर ये एक फ़ोटोशॉप की दुकान है, फोटो स्टेट की दुकान है, और बगल में किंगफिशर का ठेका है। तो यहाँ से जो है परमिट बनते हैं आगे अरुणाचल में जाने का, ILP। तो टिपी जाना है हमें यहाँ से, टिपी नाम की जगह। तो 10-12 किलोमीटर है केवल। एक बंदा हमारे डॉक्यूमेंट ले गया सारे, पता नहीं किधर ले गया, और थोड़ी देर में हमारा परमिट बन जाएगा और हम चलेंगे टिपी। पास बन गया जी, सबके 100-100 रुपये लगे हैं, कुल मिला के 400 रुपये का। और यहाँ पे एक रूल और भी है कि आपको कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है ILP के साथ। लेकिन चूंकि हमें अरुणाचल में रुकना नहीं है और केवल बॉर्डर से 8-10 किलोमीटर अंदर ही आना था, तो उन्होंने कोरोना रिपोर्ट से छूट दे दी है। बाकी बॉर्डर पे, भालुकपोंग बॉर्डर पे एंटीजन टेस्ट की सुविधा है, वो एंटीजन टेस्ट साथ के साथ करते हैं और रिपोर्ट आपको साथ के साथ दे देते हैं। ILP के साथ रिपोर्ट लगती है तभी आप अरुणाचल में एंटर कर सकोगे, अगर आपको तवांग वगैरह जाना है तो। अभी हम पहुंच गए हैं टिपी के पास। टिपी के पास ये एक ऑर्किड रिसर्च सेंटर है और हम दोबारा आए हैं। यहाँ पे हम एक बार कब आए, 3 साल पहले आए थे ना? तीन साल पहले हम यहाँ पे आए थे। इट इज ए नाइस प्लेस, मेरे को भी पसंद लगता है। और यहाँ पे इसमें एंट्री चार्ज है 10-10 रुपये, कुल मिला के 40 रुपये। और ये 440 रुपये जो है ना सारे हमने खर्च करें, जाके हिसाब करना है उनसे। ये बहुत बोल रहे हैं कैमरे के सामने। ऑर्नामेंटल ऑर्किड हाउस। और इसमें क्या दिखा रहे हैं भाई? ये देखो, ऑर्किड को ना उगा रखा है एकदम नेचुरल तरीके से, नीचे पानी भर रखा है और लकड़ी पे जो उनका बना दिया है बेड। अब जब इन पे फूल लग जाएंगे तो बड़े ही सुंदर लगेंगे ये। कब लगेंगे फूल? सबका अपने अपने टाइम होता है। अब ऐसे तो ये सीजन चल रहा है ऑर्किड का,
और ये इन्होंने ग्रो करने की कोशिश करी है गमले में। गमले में ये देखो। तो ये कंकड़ पत्थर क्यों भर रखे हैं? ताकि नीचे नमी बनी रहे। मतलब ऑर्किड कंकड़ पत्थर में हो जाता है? कहीं भी हो जाता है, मतलब उसे बस हवा पानी मिले। मतलब बेशरम पौधा है। बेशरम पौधा है, मरता भी नहीं है। सुंदर और जल्दी आओ, मैं अच्छे अच्छे फूल दिखाऊंगी। क्या हो गया? चीटी ने मकोड़ा कौन सा ने काटा है बता, मैं साले को अभी मार के आऊंगा। अरे ये वाला पेड़ बहुत खतरनाक है। ये पेड़? हाँ, इसके नीचे अगर जाओगे तो तुम्हारे भन्यास उतार देंगे चिट्टियाँ। देख चिट्टियों के घोंसले हैं इस पे। एक घोंसला वो है चिट्टियों का, ये हाँ, उसमें चिट्टियाँ चिट्टियाँ, लाल लाल चिट्टियाँ, इतनी मोटी होती है। एक घोंसला वो है, शायद वही है, पता नहीं कौन सी है। एक घोंसला वो है, इसके नीचे भी जाओगे ना तो चिट्टियाँ ऊपर से आपको छलांग मार के काट सकती हैं। वो जो कार्टून मूवीज में दिखाते हैं ना, वो चिट्टियाँ ऐसे पकड़ के ऊपर ले जाते हैं। कार्टून वार्टून इस पे कई कई घोंसले हैं चिट्टियों के। ये जो है ना पत्तों से बनाती है, पत्तों से। और ये ऐसे चिपका कैसे लेती हैं? अब वो चिट्टियों के गुण वो है, लार्वा सब देख लो। अब चिट्टियों का ही सलाइवा से अपने वो बनाती है, ज्वाइन करती है लीव्स को और अपना ऐसे ये नेस्ट बनाती है। और एक बार स्कूल में बहुत तेज आंधी आई थी, शाम था, ऐसे टूट के नीचे गिर गया था और मेरा पैर इस पर रख गया था, मुझे याद आया, चिपक गई थी। इसके आगे मैं नहीं बोल सकता कुछ। पैर पे लिटरली चिपक गई थी, याद आया मुझे, पैर पर लाल लाल। और उस टाइम पे मतलब समर सीजन था तो निक्कर पहना हुआ था, चप्पल पहनी हुई थी। मजे आ गए, तृप्ति हो गई। असम के लोग जो है ना, इन चिट्टियों के चिट्टियों के अंडों की चटनी बना के खाते हैं। और ये हैं भी इसी लायक। चिट्टियां चटनी बनाने लायक। इनका बिहू में जो है ना, ये माना जाता है कि बिहू में ये माना जाता है कि 101 वेजिटेबल का कुछ बनेगा घर में, तो अब 101 तो कौन लाएगा? तो चिट्टियां अड़गम सड़गम हर चीजें खाती हैं, तो चिट्टियों का ही चटनी बना के खा लेते हैं कि जी 101 हो गए। तो जब ये चिट्टियां इतनी हार्मफुल होती हैं, काटती हैं, तो इनको पकड़ा कैसे जाता है? उनको पकड़ते वक्त क्या वो नहीं काटती हैं? वही है यहाँ की टेक्निक। सुड़ी मार दी, देखो उसके टेंटिकल्स ठीक ना की आंख। अरे एक काम, खड़े हो ना एक बार, तुम्हारी फोटो लूंगा मैं, फिर इसको हिला दोगे, है ना? बस ये जिंदगी की बस एक मेरी बड़ी इच्छा है, घर जाना है। नहीं नहीं, जिंदगी की बड़ी इच्छा है, गाड़ी तो छोड़ो, दो दिन का पास है मेरा, मैं रुक जाऊंगा यहाँ पे। जिंदगी की बड़ी इच्छा है मेरी, किसी को पेड़ के नीचे खड़ा करके, हाँ किसी को पेड़ के नीचे खड़ा करके और पेड़ हिला दूं और भाग जाऊं। कैसे लगा यार? मजा आ गया, तो और भी सुंदर हो गया पहले से। मजा आ गया। फूल कुछ कम थे लेकिन इन्होंने मेंटेनेंस बहुत अच्छी कर रखी है। कई जगहों पे हमें जाने भी नहीं दिया क्योंकि रिसर्च सेंटर है, तो एक तरह की लेबोरेटरी है, तो कई जगहों पे हमें जाने भी नहीं दिया, ताले वगैरह लगे हुए, बट फिर भी ठीक है। जहाँ जाने दिया वही बहुत अच्छे है। बंद करने का टाइम हो गया, कितने बजे बंद कर दोगे? 4 बजे बंद होते हैं। 4 बजे? तभी तो 5 बज गए, हमारी वजह से खोल रखा है। अंदर तक ले लीजिए। अच्छा ठीक है। ये 3 चाय बनाना, चीनी ज़्यादा पत्ती कम। हाँ चीनी ज़्यादा और चाय पत्ती कम। कैमरा लेता है क्या? हाँ कैमरा। हाँ मुझे जो है ना इतनी भयंकर वाली भूख लग रही है, अंडे तो खा लूँगा कि मैं चक्कर खा के गिरने वाला हूँ थोड़ी देर में। आपका घर कितना दूर है इधर से? पास में, थोड़ा आगे, नदी के दूसरी तरफ, जंगल में। अच्छा इसी सामने ही है।
कितना कितना पैसा हुआ? अरे सिर्फ दे दिया क्या? तीन चाय और एक चिप्स ये वाला। एक। 65। 65। ठीक है।